वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस. आज का हमारा टॉपिक है ब्यूटी केयर. हम बात करेंगे कि आपको बॉडी पे कौन से लोशंस अप्लाई करने चाहिए, आपकी बॉडी का शेप आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं. और अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुबशरा, हु इज़ अ वेरी रेगुलर गेस्ट ऑन आवर शो. और अभी हम बात करते हैं उनसे एंड वी विल फाइंड आउट हाउ टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से ऑन एयर कि आप बहुत अच्छी लग रही है. मैंने ये वैसे तीन दफा बोल चुकी हूँ, मैं दो दफा मेकअप रूम में भी बोल चुकी हूँ, एक दफा यहाँ पे बैठ गया डॉक्टर मुबशरा बहुत अच्छी लग रही है, बट यू लुक वेरी नाइस. तो आज हम बात कर रहे हैं जनरली बॉडी केयर के बारे में. एक तो हमें पता है कि बॉडी के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं दैट वी यूज, एंड हमें पता नहीं होता, हम बस स्क्रब लगा दिया, थोड़ा सा मास्क लगा दिया, एंड यू नो ब्लाइंडली हम यूज़ कर लेते हैं चीज़ें. एंड ऑल्सो एक जो बॉडी का शेप होता है वो मेंटेन हम कैसे कर सकते हैं, वो शेप होना क्या चाहिए, व्हाट इज़ द आइडियल शेप और हाउ यू कैन टोन अप योर एग्जिस्टिंग बॉडी. लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अबाउट क्वांटम. मैंने क्वांटम फिजिक्स का नाम सुना हुआ है, क्वांटम कुछ और मैंने नहीं सुना. सो आज हम सीखेंगे डॉक्टर मुबशरा से कि व्हाट इज़ क्वांटम फॉर योर बॉडी. क्वांटम थेरेपी और हीलिंग में दो चीज़ों का फ़र्क है. एक होता है थेरेपी के जब हम स्कैन करते हैं मॉर्फिक जेनेटिक फील्ड्स, यानी एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली, इट्स लाइक कॉल अ मेट्रिक्स. तो ये सॉफ्टवेयर पे हम एनालाइज करते हैं मेडिकल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज, जैसे बॉडी कंटूरिंग आपने बात करी, कुछ लोगों को फोबियाज होता है साइकोलॉजिकल इश्यूज, लाइक साइकोलॉजिकल एनालिसिस हो जाती है. जैसे हम MRI कराते हैं, CT स्कैन कराते हैं, तो ये सब चीज़ों का टाइम लगता है. तो ये जो क्वांटम थेरेपी है ये बहुत फास्ट और नॉन इन्वेसिव हुए है. यानी अगर आपको फुल बॉडी का चेकअप करवाना हो तो आप बेसिकली टू फिंगर्स, एक गोल्ड प्लेट होती है इसके साथ अटैच होती है, तो गोल्ड प्लेट पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने फिंगरप्रिंट्स इनिशिएट करेंगे. उससे आपका पूरा डाटा फीड इन होता है कि कहाँ पे रहते हैं, सेल नंबर्स क्या है, एंड फुल बायोडाटा लाइक डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग. मगर ये कोई ज्योतिषी वाला नहीं है, इट्स कॉल्ड अ मेडिकल साइंटिफिक, एग्जैक्टली. उससे हम एनालाइज करते हैं बॉडी में कहाँ पे केमिकल इम्बैलेंसेस है. द मिनट यू हैव अ केमिकल इम्बैलेंसेस एवरीथिंग गोस, सो इट्स अ स्कैन, फुल बॉडी स्कैन. बिल्कुल फुल बॉडी स्कैन करते हैं, जैसे मॉर्फिक जेनेटिक फील्ड्स हैं, मेडिकल इशू हैं, साइकोलॉजिकल है, फूड एलर्जीज है और प्रोडक्ट्स एलर्जीज है. काफी लोगों को नहीं पता होता कौन से प्रोडक्ट्स इनको एलर्जीज है. एग्जैक्टली, मतलब कि अगर आप कभी सर्जरी कराने अगर आप गए हो तो वो अक्सर पूछते हैं डॉक्टर्स कि आपकी एलर्जी तो नहीं है किसी चीज की, एंड यू जस्ट लाइक आई डोंट नो. तो आप हर चीज का टेस्ट तो नहीं करा सकते, कि इसका भी टेस्ट करा सकते. तो वो उसमें फुल स्कैन हो जाता है, जेनेटिक्स, DNA, एवरीथिंग. और सबसे अच्छी बात है कि इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स टू डू इट. How so? Yes, wow. 5 minutes to do it because it scans entire body. So basically, जो हमारे दूसरे टेस्ट में है, it takes about 1 week or 2 weeks or months. Like a hypothyroidism का जैसे blood test, blood profile आता है, everything it takes very long. But इसके अंदर within 5 minutes, you know each and everything about your own self. और दूसरी चीज़ ये बहुत ही अच्छी है, like a matrix. अगर suppose आपको creative हैं आप, और आपको ये नहीं पता कि कौन सी फील्ड में जाना है, कि एनवायरमेंटल बेस में कौन सी फील्ड में जाना है, लाइक यू लव टू प्ले गिटार बट यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, और ये नहीं पता था कि फोकस करें तो वेदर वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं. तो इट स्कैन्स योर जेनेटिक, योर DNA, इट स्कैन्स योर फ्यूचर एज वेल. सो इफ यू आर प्लानिंग टू बेसिकली गो इन टू दिस फील्ड, so it wo calculate karega right, the possibility it says ke whether it will be next 6 months or about 1 year you should be going on to it. yani agar aap ye profession apnaye to basically it will be better for you or not. like lot of people just try to do lot of practices on it, yani hum institute join kar rahe hain, classes le rahe hain, pata nahi hoga ke bhi nahi hoga, wo jo pendulum ki tarah doubtful hota na, wo nahi hoga. so basically it's like comprise of all the genetic fields. so it's very interesting. yeah, it's very interesting. and it also seems too good to be true. मतलब कि वाकई में लाइक यू कैन कैलकुलेट ऑल ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज योर करियर पास. और ये आपको जो फैसिलिटी है, इज इट इजीली अवेलेबल, ये आपको कैसे? वी डू इट अप एट माय क्लिनिक. आई एम द ओनली वन इन साउथ ईस्ट एशिया हु इज डूइंग दैट. यस, ऑफ कोर्स UK में है, कनाडा में इट्स बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और बेसिकली इट हैज बीन इन्वेंटेड फ्रॉम अ साइंटिस्ट इन जर्मनी. तो वहाँ से मतलब मैंने क्वालिफिकेशन ली है फॉर अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट. तो उन्होंने पूरा, यानी ये इट्स लाइक अ कंप्राइज ऑफ एवरीथिंग, अरोमाथेरेपी, बॉडी वेट लॉस, कंटूरिंग, फेशियल, नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट, डिटॉक्स प्रोसीजर. So this is all related to quantum. Exactly. इसका पूरा नाम क्या है? It's called just quantum. Quantum therapy. Quantum biofeedback.
क्वांटम बायोफीडबैक. अच्छा तो इसमें अगर हमें लेट्स से आपने मेंशन किया वेट लॉस, तो हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट, यू आर गोना कैलकुलेट द पॉसिबिलिटीज कि आप किस तरह से आप वेट लूज करें. नो एग्जैक्ट प्रोसीजर एग्जैक्ट फार्मूलाज, जैसे मैंने बताया कि फुल इंट्रो लेते हैं कि क्या चीज, मतलब डाटा एंट्री होती है कि आप इस पर्सन के बारे में कितना जानते हैं. सो फुल उसके बाद हम एक माइक्रो फील्ड कहते हैं, उसके अंदर फील्ड हम मतलब प्रोग्राम्ड कर देते हैं कि व्हाट दिस पर्सन वांट टू डू राइट नाउ. अगर ये वेट लॉस के लिए अप्रोच कर रहा है तो ठीक है, वेट लॉस विल फीड इन, बट इन द वे उसमें एग्जैक्ट फार्मूला होता है कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग क्रैश डाइट और गोइंग ऑन अ सप्लीमेंट्स टू लूज वेट, उसमें फार्मूला आ जाता है कि इस शख्स को सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन ही सूट करेगी, नथिंग एल्स. सो स्टॉप, यू नो लाइक उनका पास्ट, राइट पास्ट हिस्ट्री निकल आती है, व्हाट वी कैन डू अबाउट दिस पर्सन, हाउ मेनी टाइम्स इन्होंने कौन सी और सप्लीमेंट्स ली है टू लूज वेट, तो वो भी उनका साइड इफेक्ट भी आ जाता है. बताए बगैर दिस सिस्टम एग्जैक्टली, बिकॉज अक्सर लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स पे जाते हैं कि हम चलें ये टैबलेट्स ले लेते हैं या हम डिटॉक्स कर लेते हैं, कोई भी मेडिसिन किसी ने भी बता दिया या कोई भी है ना डायबिटिक पेशेंट है तो कुछ भी उठा के खा लिया, डॉक्टर ने अदर प्रिस्क्राइब किया, बट इट डजंट सूट देम. तो वो पूरी हिस्ट्री उनकी निकल आ जाती है, लाइक ओबेसिटी है या वेट लॉस है, कि कौन सा फॉर्मूला क्या चीज़ सूटेबल होगा और इन्होंने पास्ट में क्या चीज़ें अब तक कर चुकी हैं. और थर्ड थिंग इज, बहुत बहुत अच्छी बात इसमें होती है कि इट हैज़ बीन प्रोग्राम इन टू एथलेटिक परफॉर्मेंस. इट हैज़ प्रूव्ड कि अगर जैसे घोड़ों को हैं, इट्स नॉट ओनली ह्यूमन बींग, प्लांट्स हैं या अगर एनिमल्स पे किया जाए, जैसे रेस के घोड़े हैं, तो वो जो लास्ट मिनट पे जो हम लोग क्वांटम थेरेपी करते हैं तो वो इट हेल्प्स टू विन द रेस. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे हो रहा है कि मैं भी अपना ये थोड़ा सा कैलकुलेट कर रहा हूँ. नहीं, डेफिनेटली आई एम, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इंट्रीगिंग. अच्छा तो जैसे कि मैंने मेंशन किया था, इट साउंड्स ऑलमोस्ट टू गुड टू बी ट्रू, इसके कोई भी लाइक आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स, एनी नथिंग? नथिंग, बिकॉज़ इट्स नॉन इनवेसिव. मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ फिंगर प्रिंट्स चाहिए. प्रिंट्स चाहिए या ब्लड सैंपल भी? नो नो नो, नथिंग, नॉन इनवेसिव है. नॉन इनवेसिव. हाउ डज इट कैलकुलेट? वाओ, साइंस, टेक्नोलॉजी. यस ऑफ कोर्स, इट्स लाइक अ मैट्रिक्स, जो भी चाहिए प्रोग्राम करें, इट्स बीन डन. I'm speechless. I actually am. अच्छा तो फिर ये कोई भी करा सकता है, एन पर्सन ऑफ एनी एज, एनी? इट ऑल्सो डिटेक्ट्स, अगर जैसे प्रेगनेंट फीमेल है, इट ऑल्सो डिटेक्ट्स के अगर जैसे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई भी होती है कि मिसकैरेजेस की, या एट द टाइम ऑफ द बर्थ बच्चे जैसे हैंडीकैप हो जाते हैं, लाइक नॉर्मल पैदा होते हैं, उसके बाद डिफाइंड के डिफॉर्मिटीज है, तो वो क्या चीज़ है. तो इट ऑल्सो टेल्स, आई हैव प्रूवन दैट टू लॉट ऑफ पेशेंट्स, कि ये बच्चा नॉर्मल, जैसे पूरा हाउस होल्ड नॉर्मल है, तो क्या चीज हुई एट दैट टाइम ऑफ द बर्थ कि दैट अकर्स, कि वो चाइल्ड यू नो लाइक हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, या डिसलेक्सिया है, या बोन्स एंड जॉइंट्स डिफॉर्मेशंस की तरफ जा रही, क्या हुआ. तो आई ऑल्सो फाइंड द वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, एट द टाइम ऑफ द बर्थ द चाइल्ड वॉज नॉर्मल, बट यू नो नेग्लिजेंसी नर्सेज की या डॉक्टर्स की, तो दैट हैपेंड टू अ चाइल्ड. अच्छा अच्छा, तो आपको ये भी पता चलता है व्हाइल द चाइल्ड इज इन द वूम, तो फिर तब भी आपको पता चल जाता है कि अगर बच्चे में अगर इफ देयर आर एनी डिफॉर्मिटीज और एनीथिंग फ्यूचर? यस, वी वुड नो. इट्स लाइक ओके, यू आर डूइंग अ कम्युनिकेशन, लाइक जैसे कहते हैं कि साइंटिफिक वे वी हैव अप्रोच टू द एक्सट्रीम. अगर मदर्स हैं जैसे कम्युनिकेशन करती हैं, कोई भी बातचीत करती हैं हस्बैंड वाइफ से या वट सो एवर, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, लाइक हाउ द साइकी ऑफ अ मदर वर्क्स, दैट इज़ बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इन द बेबीज माइंड. अब वो बेबी किस तरीके से वो चीज़ के परसेप्शन लेवल पे जाके साइकोलॉजिकली वो एक्सेप्ट करता है, दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड. क्योंकि इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम कि जब बच्चा बॉर्न होता है, उसके बाद उसके कोऑर्डिनेटिव स्किल्स देखा जाते हैं, किस तरह से जा रहा है, बट एट दैट टाइम वेरी इनिशियल टाइम, यानी जीरो मंथ से लेकर नाइन मंथ्स तक, द चाइल्ड हैज़ बीन प्रोग्राम्ड. तो वो हम एनालिसिस कर लेते हैं कि इफ़ दैट चाइल्ड इज यू नो आफ्टर बर्थ, कौन सी चीज़ों में उस चाइल्ड को जाना चाहिए दैट द पर्सन विल बी सक्सेसफुल, उसका आई क्यू लेवल क्या है, किस तरीके से उसको इन्हांसमेंट की तरफ जाए. जैसे अगर फर्ज करें द चाइल्ड इज बॉर्न टू बी स्पोर्ट्स लाइक एथलीट, सो हाउ वुड यू नो ओवर, ये तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना, लाइक ओके कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है कि बच्चे को यू नो फॉर एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए उसको तैयार किया जाए, एनीथिंग सप्लीमेंट्स दिया जाए, नथिंग नथिंग, दे डोंट नो अनलेस एंड अंटिल चाइल्ड फाइंड्स आउट बाय द ग्रेड ऑफ फाइव, यू नो कि भाई पाँच ग्रेड कर चुका, ओह अच्छा इसका बहुत ज़्यादा रुझान है, बट देन इट इज़ टू लेट.
सो यूजली द व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न इट इज बीइंग प्रोग्रामड के भाई ही इज बॉर्न विद द एथलेटिक परफॉर्मेंस. इस बच्चे को इस फील्ड में जाए, यानी फर्स्ट स्टेप हो जो या फर्स्ट प्ले जो उठाता है, कोई भी बॉल हो गया या कोई भी कॉग्निटिव स्किल जैसे मोटर स्किल्स है, जैसे मोटर है, अगर उसने पाना वगैरह उठा लिया, ये जो प्लास्टिक के जो टूल्स होते हैं, तो उससे पहचाना जाता है कि ये किस किस्म का बच्चा है, उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल कहाँ तक जा रही है. तो इस तरीके से यू कैन प्रोग्राम द चाइल्ड. दैट्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. अच्छा मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हाट आर द थिंग्स दैट अक्सर वुमेन व्हेन दे आर प्रेग्नेंट उनको पता नहीं होता कि व्हाट दे आर डूइंग और उससे बच्चे पे कोई इफेक्ट आ रहा है. बट विल टॉक अबाउट दैट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आप कहीं मत जाएगा. ब्यूटी एंड फिटनेस विल बी राइट बैक.